हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को कांग्रेस और एनसीपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। कांग्रेस ने हरियाणा में जहां 84 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, वहीं महाराष्ट्र में 20 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी एनसीपी ने भी 77 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। हरियाणा और महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने उम्मीदवारों की घोषणा करनी शुरू कर दी है। इस कड़ी में बुधवार को कांग्रेस और एनसीपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। बात हरियाणा की करें तो यहां कांग्रेस ने 84 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गढ़ी सांपला किलोई, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को कैथल, कुलदीप बिश्नोई को आदमपुर और किरण चौधरी को तोशाम से टिकट दिया गया है। इस लिस्ट में हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर का नाम नहीं है। अब बात महाराष्ट्र की करें तो यहां कांग्रेस ने बुधवार को 20 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की। तीसरी लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस महाराष्ट्र में अब तक 123 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी एनसीपी ने भी बुधवार को 77 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के भतीजे अजीत पवार का भी नाम है। अजीत पवार को बारामती से टिकट दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।